अभी सबसे पहले हम एज रिवर्स ऑयल सीख रहे हैं आपसे, तो वो क्या किस तरह बनेगा, वो क्या क्या मिलाएंगे हम? सबसे पहले जो आपको लेना होगा अराउंड 60 ml बादाम का ऑयल, बादाम का तेल पहला जो बेस है इसका जी। 60 ml आपको बादाम का ऑयल, और ये याद रखें ये 20-25 साल वाली लड़कियां नहीं लगाएंगी, 20-25 साल वाली लड़कियां नहीं लगाएंगी, नहीं उनके लिए नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये स्किन को जो आपकी 40 के बाद रिंकल्स आती थोड़े है, से हाँ, या स्किन लटक जाती है, उनको टाइट करेगा ये गायब करेगा, टाइट नहीं करेगा सिर्फ गायब कर देगा। अच्छा, गायब करेगा, यानी कि आस्ता आस्ता आपकी स्किन जो है वो जंगर की तरफ चलती है। अच्छा, आलमंड ऑयल को 60 ग्राम लेना, 60 ग्राम लेना, मैं भी रट्टा मार लूं। अच्छा, हाँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, सैंडलवुड ऑयल, ये जहन में रखिएगा, सैंडलवुड पाउडर इवन हम लोग यहाँ लाकर इस्तेमाल करते हैं, कराची में तो मुश्किल है आपको मिलना सैंडलवुड पाउडर भी, इवन क्योंकि जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको 200-300 रुपए मिल जाता है। सैंडलवुड की इतनी लकड़ी 10,000 रुपए की होती है, तो ये सैंडलवुड ऑयल जो है तकरीबन 7 लाख रुपए लीटर होता है, तो इसमें से आपने सिर्फ चंद ड्रॉप लेने, यानी कि 10 ड्रॉप हम डालेंगे। अच्छा, ये 60 ml है जी, आप मेरे लिए तो नहीं बना रहे कहीं? कोई भी ले रहे, पैसे देकर कोई भी ले सकता। मैं नहीं बता रही आपको कौन सा अवार्ड मिला है, खबरदार ना मुझे किसी बनता ही नहीं है यार, क्यों बताएंगे। अच्छा, हमने 10 ड्रॉप डाले हैं सैंडलवुड, ये लिख लें क्योंकि हमारी बहनें बहुत ब्यूटी के लिए कॉन्शियस होती हैं, और लाखों रुपए 1,000 रुपए लगा के भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ। अपने घर में बनाएं, और ये ऑयल सारे अवेलेबल है पाकिस्तान में, मैंने पहले भी कहा था अगर कोई दुनिया में ऑयल है और अगर आपको नहीं मिलता तो डॉक्टर ईसा के पास जरूर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आपने 60 ग्राम लिया सबसे पहले आलमंड ऑयल जी, ग्राम या लिक्विड ml, ग्राम ml, हाँ मैं कोई गड़बड़ कर रही हूँ कुछ। अच्छा, और उसके बाद? अच्छा, ये रोज सैंडल की कितनी ड्रॉप्स थी? 10 ड्रॉप, 10 कतरे सैंडल। अच्छा, ये प्रीमियम रोज ऑयल कहलाता है। हाँ। जब 40 किलो आप फ्लावर्स लेते हैं, हाँ। उस 40 किलो फ्लावर में से मुश्किल से 1 टेबल स्पून निकलता है, इसलिए ये 12 लाख रुपए लीटर है। लेकिन आपको कतरे लेने ना, लीटर थोड़ी लेना है, पूरे महले में थोड़ी बांटना है। महंगी जवानी है ये, महंगी जवानी है ये, इनके पास कोई, मुझे लगता है कोई मैथमेटिशियन बैठा होगा क्लिनिक पे जो कतरों का हिसाब लगा। जी, पूरी टीम बैठी हुई है ना। अच्छा जी, ये जो ये रोज ऑयल है, अच्छा मजे की बात बताऊं, ये अक्सर मैं ये तो नहीं कहूंगा, अरे इसकी खुशबू, ये तो मैं कह रही थी इसी का हम कह रहे थे ना, सूंघते ही रहे बस है, मैं भी बहुत। और मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, हमारी एक बहन है, हाँ। वो अक्सर मंगाती हैं, तो मैं उनसे एक दफा पूछने लग गया, मैंने कहा भाई तुम इतना ऑयल लेती हो, हाँ। ये प्रीमियम रोज इतना महंगा ऑयल है, क्या करती हो? हाँ। बोलती ऐसा भाई कुछ नहीं, बस टब में 2-3 कतरे डाल के नहाती हूँ, सारा दिन खुशबू में रहती हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं। बात है, ये फैक्ट है, ये सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा जी, प्रीमियम रोज ऑयल हम डालेंगे 10 ड्रॉप्स। आप देखे ना वो पूरा कितने 40 किलो आप कह रहे हैं गुलाब के फूल इस बोतल में समा गए, क्या बात। ठीक है। अच्छा जी, ये याद इसलिए रखें कि 10 ड्रॉप्स 10 ड्रॉप्स रोज ऑयल के, 10 ड्रॉप्स प्रीमियम रोज ऑयल के, सॉरी सैंडल ऑयल के 10 ड्रॉप्स, और 60 ml अभी तक हमने आलमंड ऑयल डाला। अच्छा, ये है लेमन ऑयल, लेमन, ठीक है, लेमन ऑयल के सिर्फ डालेंगे आप 3 ड्रॉप्स। अच्छा, इसकी काउंटिंग बहुत जरूरी है, और मजे की बात बता रहा हूँ, ये कम लोगों को नॉलेज होगी, डायना की ये मशहूर रेसिपी है, डायना जैसे दुनिया जानती है, लेडी डायना, ये बेसिकली उसकी रेसिपी है, वो अपने अपने मुंह पे लगाती थी। ओके, ये उसकी रेसिपी है, सच्ची बात ये। मैं होती कंजूस तो मैं तो ड्रॉप 3 ड्रॉप जो है आपने ले लिया जनाब लेमन ऑयल, ठीक है, उसके बाद आप लेंगे लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर, अच्छा लेवेंडर ऑयल की और खासियत बता दूं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई की वजह से वो टेंस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो लोग जो सोते हैं मगर नींद नहीं आती, तो क्या करते हैं, 1 कतरा 2 कतरे उठाकर जब आप यूं करके और यूं 3 दफा ब्रीथ लेते हैं तो आपकी सारी टेंशन रिलीव कर देता है, दुनिया में मशहूर है। अच्छा अच्छा, लेकिन आप सही कह रहे हैं, में भी काम आती क्योंकि लेवेंडर ऑयल मैंने ला के ना तकिए पे, मुझे किसी ने कहा था तकिए पे ड्रॉप्स डाल लो, मुझे ये वाली चीज नहीं बताई थी, ये तो बहुत ही ज्यादा ही सोती रहूंगी। नहीं, बिल्कुल तकिए पे, बल्कि जिस घर में तूबे में झगड़े बहुत होते हैं, आप क्या करें, आप ले लें इतना सा पानी और उसमें डाल दें 20 ml लेवेंडर ऑयल और पूरे घर में स्प्रे कर दें, सब सुकून में रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं, रिलैक्स। ये तो आप मुझे दे दे कोई, ये आप मुझे कोई दे दे कोई 5 साल के लिए दे दो, कोई झगड़ा नहीं।
यार ये हमारी मेडो को मिल जाए तो वो क्या करे, हमें सुंगा के ना पूरा घर सफाएगा, सुला के हमें सफाएगा। अच्छा ठीक है जी, 10 आप कतरे डाल रहे हैं लेवेंडर ऑयल के। हाँ। अभी तक ये चौथा ऑयल है जो इसमें डाला जी। ठीक है, प्रीमियम रोज ऑयल, सैंडल ऑयल, आलमंड ऑयल और लेमन ऑयल और रोज ऑयल, लेवेंडर ऑयल, पांच ऑयल। अब ये है निरोली, निरोली ऑयल, निरोली बहुत दुनिया का मशहूर ऑयल है। काम करे और ये जो है आपकी जो स्किन है। हाँ। जो यहाँ पे लाइंस आती है, बड़ी मेरे तो बड़ी प्रॉब्लम। हाँ। मेरी लंबी गर्दन है, मुझे है ही मसला है ना, ये बचपन से जी। बहुत अच्छा है, और उसमें आप ये जो निरोली ऑयल है ये आप डाल रहे हैं जी 10 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स। ठीक है, इसके किनू के फूलों का तेल और फ्लावर ऑयल होता है। अच्छा, इसकी खुशबू देखे ना जरा, नरोली ऑयल, नरोली ऑयल। अच्छा मजे की बात देखे, अल्लाह ताला की कुदरत देखे, ये सब्जियां हैं या फ्लावर्स हैं, यहाँ सब्जियां हैं या फ्लावर्स हैं, किनू के फूलों। अच्छा चीजें आपके पास खालिस है, हर एक की खुशबू बता रही है, ये बड़ी बात है। पाकिस्तान में लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं और इसी हवाले से जानते हैं कि डॉक्टर साहब के बड़े तेल देखे, ऐसी खुशबू नहीं, प्रमोशन कर दी आपको, दे दे। अच्छा जी, ये हम डाल रहे हैं कैरेट ऑयल, गाजर का ऑयल। अच्छा, कैरेट सीड ऑयल कहलाता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ बहुत, मतलब मुझे तो याद ही नहीं गाजर की खुशबू कैसी है। वाकई भाई। हाँ। और ये इसमें हम डाल रहे हैं जी, ये जो कैरेट ऑयल था वो हम डालेंगे 10 ड्रॉप्स। Oh my God, मतलब कि ये ठीक ठाक मेहनत वाली चीज है, मतलब ये चेहरे पे वाकई खून ले आता होगा, जब गाजर खाते हैं तो ब्लड बढ़ जाता है। इसके अलावा कैलकुलेशन जो है ना इसकी बड़ी अहम होती है, क्योंकि स्किन अगर वो बहने जो थोड़ा धूप में जाती हैं और चेहरा टमेटो की तरह हो जाता है। हाँ। तो अब इसमें बादाम का ऑयल बढ़ जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो लगाएंगी तो ज्यादा रेड हो जाएगा। हाँ। अच्छा, जो खवातीन धूप में जाती हैं आप देखेंगे फौरन टैन हो जाती हैं, ऐसी है, उनके लिए भी ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी जनरल सब लगा सकते हैं। अच्छा ठीक, नाइस, ठीक है। अच्छा जी, रोजमेरी ऑयल। अच्छा रोजमेरी जी, ठीक। अब ये डालेंगे आप इसमें, कितने तेल डालेंगे इसमें, बस आखिरी है। अरे मैंने तो कहा बड़ा महंगा नहीं पड़ जाएगा, कतरे रोजमेरी ऑयल डाला, कतरा कतरा दलिया बन गया ये तो। दो हमने ड्रॉप्स डाले। अब ये ऑयल जो है हिला के आप रखते हो, आप क्या करते हैं रात में? अच्छा मैं रिपीट कर लूँ, एक मिनट रिपीट कर लूँ ताकि सबको याद है। आलमंड ऑयल 60 ml, ठीक है, उसके बाद 10 कतरे सैंडलवुड ऑयल, मैं यहाँ से आ रही हूँ ना, निरोली ऑयल जो के किनू के फूलों का ऑयल होता है, ये 10 कतरे, ठीक हो गया। कैरेट ऑयल 10 कतरे, ठीक हो गया। रोज मेरी ऑयल 2 कतरे, 3 कतरे, 3 कतरे, 3 कतरे लिख ले, मिस हो गया तो। प्रीमियम रोज ऑयल 10 ड्रॉप्स, कहाँ गया प्रीमियम रोज ऑयल, ये मैंने रोज मेरी दोबारा से उठा लिया। ओके, प्रीमियम रोज ऑयल 10 कतरे, लेवेंडर ऑयल 10 कतरे, और लेमन 3 कतरे, लेमन 3 कतरे, सैंडलवुड ऑयल 10 कतरे, सैंडलवुड ऑयल 10 कतरे, 10 कतरे, बाकी सब 10 है। हाँ। सिर्फ 60 ml एलमंड, सिर्फ लेमन और वो जो है लेमन और जो ये था रोजमेरी, सिर्फ ये 3 है, 3 है। अच्छा ये मिक्स हो गया। अब इसके लगाने का तरीका समझ लें। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं सिर्फ ऑयल ऑयल नहीं, इसके साथ जहन में रखिएगा। हाँ। आप सुबह उठकर पानी पी रहे हो, नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है, और दोपहर में खाने की जगह आप सैलेड फ्रूट पे चले जाओ, ऑयल की वजह से नहीं, अपनी सेहत की मतलब वजह से। वो आप डाइट अपनी सही, ऑफ कोर्स, मतलब आप टेंशन लेके बैठे हुए लगाओ। अच्छा, ये रात को आप क्या करेंगे, मुंह धोने के बाद आपने उठाया और हल्का हल्का सा मसाज किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो पफनेस आती है यूं गायब होती है इसके साथ। हाँ। ये जो पफनेस है इसके नीचे, तो आप पूरे चेहरे पे लगा के मसाज करके सो जाए, बस इतना सा काम था। अच्छा, आप लगाते कि नहीं, सच बताइए? सच बताऊं? हाँ। मैं नहीं लगाता। क्यों, आपको सूरज खूबसूरत बनने का शौक नहीं है? मुझे जितने व्यूअर्स हैं, जितनी हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई जानती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 साल पहले 25 का था, मैं आज भी 25 का हूँ। आगे बढ़ो, ठीक है जी, ये हो गया एज रिवर्सिंग ऑयल तैयार। अब पता क्या होता है, मैं इतना भूलने लगी हूँ आजकल, कैसे कहा आगे बढ़ो, तुमने पीछे रिवर्स लाने का तेल बताया, फिर कहती हूँ आगे बढ़ो यार। और महंगा भी है तो इसलिए भी नहीं लगाता हूँ। क्या महंगा भी इसलिए भी नहीं लगाता? अरे ब्रांड है, कहेंगे अफोर्ड नहीं। अब आपका किसी को 1 ml देते हुए 1 कतरा निकाल लें, कतरे तो डाल लें। अच्छा जी, से बड़ी प्रॉब्लम होती है, भूल जाती हूँ। क्यों? मैं एक गोली खाई कोई भी कभी भी किसी वाइटमिन की, दोबारा यार मेरे साथ भी यही मसला, चाबी रखो घर की, वो भूल गई।
कुछ फराल का रखो। मेरे बच्चे इतना मुझे उल्लू बनाते हैं, तो उनको लाजमी दूध का ग्लास पीना होता है ना, तो वो कहते हैं अम्मी मामा आपने तो दे दिया था। अच्छा दे दिया था, उल्लू बनाते हैं क्योंकि मैं बोलने लगी हूँ। कुछ बताए ना भूलने की बीमारी कैसे। ये सब तो प्रॉब्लम है, ये इसका हल होना चाहिए। अच्छा मैं बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। अच्छा पहले जी कही कही ब्रह्मी बोटी याद रखिएगा, बच्चे बड़े जिनको भूलने का, अच्छा मैं क्या बोल रही थी, कहाँ रखा था। ब्रह्मी बोटी 100 रुपए में अच्छी खासी मिल जाती है। हाँ। जितनी ब्रह्मी बोटी है उतनी मिश्री मिक्स करके पाउडर बना के रख लें, एक चमची दूध में डाल के देखें, याददाश्त देखें अपनी आप। सही है, एक तरीका मैं डॉक्टर में रही थी।